आप में से मैक्सिमम लोगों को फोटो एडिटिंग नहीं आती, लेकिन मैं कहूं कि फिर भी आप आसानी से गॉर्जियस लुकिंग पोस्टर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, थंबनेल्स, वेडिंग या बर्थडे के लिए कार्ड्स या इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, रिज्यूम, सर्टिफिकेट्स, बैनर, मैगजीन कवर्स, फ्लायर्स, बुक कवर्स, बिजनेस कार्ड्स, अनाउंसमेंट, लेटर हेड्स, इनवाइसेस, वीडियोस या लेटर्स, न्यूज़लेटर्स आदि बना सकते हैं। और यह सब लिस्ट बस इतनी ही नहीं है, बल्कि यह और भी लंबी है। वहीं इन सब को बनाने के लिए आपको बिल्कुल एडिटिंग नहीं करनी, बल्कि बस आपको दिए गए टेम्पलेट्स में से किसी एक को पसंद करना है और उसमें पहले से मौजूद फोटो टेक्स्ट को अपनी फोटो टेक्स्ट से रिप्लेस कर देना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म कैनवा। ऑस्ट्रेलिया की मेलनी पार्किंस जब पढ़ाई करती थी तो उन्होंने पाया कि उस समय ग्राफिक डिजाइन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते थे, जैसे कि इन डिजाइन या फोटोशॉप, उन्हें सीखना और इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल था तथा उनसे हर कोई अट्रैक्टिव डिजाइन बना भी नहीं पाता था। तो वहीं से उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जिसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल हो और उसमें हर तरीके के डिजाइन के लिए प्रीमेड टेम्पलेट्स उपलब्ध हो, और फिर वहीं से कैनवा के बनने की शुरुआत हुई। कैनवा एक ऑनलाइन डिजाइन टूल है जिसका ऐप आप iOS या एंड्रॉयड बेस्ड दोनों मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं तथा आप इसे कंप्यूटर के ब्राउजर में भी जाकर के सीधे इसकी वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन होने की वजह से इसमें आपकी डिजाइन आपके अकाउंट में सेव रहती है, जिससे आप कहीं से भी लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे कैनवा के अंदर प्रेजेंट में 4 लाख से भी अधिक टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 2.5 लाख टेम्पलेट्स पूरी तरीके से फ्री हैं। और अगर आपको कोई प्रीमियम टेम्पलेट पसंद आता है तो आप उसमें से प्रीमियम एलिमेंट को हटा करके फ्री के एलिमेंट को ऐड करके उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ब्राउजर में जा करके सीधे canva.com सर्च करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे खोलने पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, पोस्टर, लोगो और भी बहुत सारे ऑप्शन। और इन्हें क्लिक करने पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये उस हिसाब से, जैसे फेसबुक कवर के हिसाब से जो भी इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा वो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। वहीं मैं तो इसका हमेशा मोबाइल में एप्लीकेशन ही यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि मैं उसे कहीं से भी यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने इस साल, जो कि 2021 में, अभी तक जितने भी अपने YouTube के थंबनेल या फिर पोस्टर या पोस्ट जो भी बनाया है, मैंने वो कैनवा के ही थ्रू बनाया है। तो वैसे आप यहाँ से जा करके इसमें सीधे साइन अप कर सकते हैं। वैसे मैं इसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मुझे ये फ्रंट में कुछ डिज़ाइन के बेसिक ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैं ये अपने लिए ये प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, ये किस तरीके का मैं इसमें कंटेंट बनाना चाहता हूँ। वहीं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ऑल योर डिज़ाइंस का भी ऑप्शन मिलता है। तो मैंने कैनवा में जितने भी आज तक जो भी डिज़ाइन तैयार किए हैं वो सारे सारे इसमें आपको सेव मिलेंगे, जिन्हें आप चाहें तो मॉडिफाई या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। वहीं इसमें एक क्रिएट ए टीम और ये ऑल योर फोल्डर्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज अपने फ़ोटोज़ को इसमें रख सकते हैं। वहीं आप किस तरीके का टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट या उसके कवर्स, इन्विटेशन कार्ड्स, आप जिस भी तरीके की चीज़ चाहते हैं बनाना वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई कार्ड्स बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कार्ड्स पे क्लिक कर लिया। तो कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद मुझे ये ढेर सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, जिनमें से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं चलिए इस टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ये ऑप्शन मिलता है। इस टेम्पलेट के अंदर 4-5 कार्ड्स हैं, या जिसको बोला जाए कि पेजेस हैं। तो मैं सिंपल पहले पेज को आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो बस करना इसमें बहुत ही आसान है। आप इस पर क्लिक करके आप चाहें तो अपलोड से कई ढेर सारी फ़ोटोज़ को अपने इसमें अपलोड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं अपलोड मीडिया, वैसे मैं इसमें पहले से ही अपनी कुछ फ़ोटोज़ को अपलोड किया हूँ, तो मैं किसी एक फ़ोटो को इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं इसके पुराने जो फ़ोटोज़ हैं, मैं इसमें आपको रिसाइज और कई ढेर सारे ऑप्शन भी आपको इसमें मिलते हैं।
तो मैं इस एलिमेंट को जहाँ पे था वैसे रख देता हूँ, और ये बैकग्राउंड जो फ़ोटो है मैं इसको फ्रंट पे लान, इसको बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं ला करके इसे रिसाइज कर देता हूँ। वहीं आप किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो मेरे अपने पीछे ही इस टेक्स्ट को लाना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए भी इसमें कई ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ से पोजीशन। तो पोजीशन में अगर मैं इसे बैकवर्ड करता हूँ तो जितने भी टेक्स्ट हैं वो मेरे बैकवर्ड में चले जाएंगे। वहीं इसका एक सबसे अच्छा फीचर वो एडिट इमेज का है, जिसमें क्लिक करने पे आपको यहाँ पे बेसिक एडजस्ट के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसे मैं अभी बैक करता हूँ, जिसमें आप फ़ोटोज़ की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रेस्ट या बाकी सब चीज़ों को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। वहीं ये कई ढेर सारे फिल्टर्स हैं, मतलब कि आप अपने फ़ोटोज़ में कई ढेर सारे फिल्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं। वहीं ये स्क्रीन और ये दो खास टूल्स दिए हैं, इसमें ऑटो इन्हांस और फेस रिटच, मतलब कि अगर आपको अपने चेहरे को बेटर बनाना है तो इसमें भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। वहीं ये शैडो, फ्रेम्स, ड्यूल टोन, मोजैक, जिसमें मैं किसी पे भी एक क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके की आपके सारी फ़ोटोज़ को आप चाहें तो इन्हांस या फिर उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने ये मोजैक पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ये मैंने मोजैक किया तो मेरी सारी फ़ोटोज़ मोजैक हो गई। तो आप चाहें यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को अंडू भी कर सकते हैं जो भी आपने टेस्ट किया। तो मैं इसे बैकवर्ड कर देता हूँ इसका पोजीशन यहाँ से, ताकि ये टेक्स्ट आगे आ जाए, और टेक्स्ट को मैं ये नीचे करता हूँ। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जा करके इसे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो वहीं इसमें ये डुप्लीकेट, ये लॉक फ़ोटो, इसमें कोई लिंक इंसर्ट करने के लिए, ये ट्रांसपेरेंसी स्टाइल को कॉपी करने के लिए, और ये फ़ोटोज़ को एनिमेट करने के लिए, अगर आप जैसे कोई गिफ या बाकी चीज़ें बनते हैं, तो जैसे मैं ये जूम आउट किया, ये ब्रीफ पे क्लिक किया तो ये बढ़ने लगा, ये सारे भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वहीं ये फ्लिप, क्रॉप जैसे ये बेसिक इसमें ऑप्शन कई ढेर सारे आपको मिलेंगे। वहीं कैनवा में सबसे खास चीज़ बनाता है ये इसका एलिमेंट वाला फीचर, जैसे कि आप इसमें कोई भी एलिमेंट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये एलिमेंट में जा करके ये फ़ोन आइकॉन को सर्च किया, तो फ़ोन आइकॉन को सर्च करने पे मुझे फ़ोन से रिलेटेड बहुत सारी इमेज मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रो भी हैं, लेकिन मैं इनमें से कोई भी फ्री वाले इमेज को इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसे फ़ोटो में ऐड भी कर सकता हूँ। वहीं मैं किसी भी जो भी टेक्स्ट है उसका यहाँ से फॉन्ट जो है मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, और जैसे ये दिखाता हूँ, तो जिससे क्या होगा कि टेक्स्ट का जो भी फॉन्ट है यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो उसके कलर्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर मैं इसे ब्लू, ग्रीन, जिस कलर में भी चाहूँ, और मैं इसकी साइज़ को भी यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है इसमें। वहीं अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड को भी चेंज या फिर इसमें कुछ नए बैकग्राउंड को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस बैकग्राउंड पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसके कलर्स को, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड के कलर को ये काफ़ी अलग अलग कलरों में चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ से अगर मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कई ढेर सारे बैकग्राउंड्स के भी ऑप्शन मिलेंगे। तो ये देख रहे हैं, इस तरीके से मैं इसमें नए बैकग्राउंड को भी इंसर्ट कर सकता हूँ, और ये टेक्स्ट को मैं इस बैकग्राउंड से रिलेटेड, ताकि ये दिखे, तो मैं यहाँ से इसके कलर को डार्क करता हूँ। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। वहीं आप इसके लेटर्स की स्पेसिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब इसमें बोल्ड ये चीज़ें, इसकी स्पेसिंग तरीकों, मतलब इसमें आपको बहुत सारे एडिटिंग के ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और मैंने इसी के बेस पे बहुत सारे अपने पोस्टर्स और थंबनेल्स बनाए हैं, जिन्हें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ अच्छे ऑल योर डिज़ाइन पर जा करके। तो आप ये देख रहे हैं, मेरे YouTube के मैक्सिमम थंबनेल्स या फिर पोस्टर मैंने कैनवा के ही थ्रू बनाया है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो बस आपको सिंपल सा किसी भी थंबनेल या फिर टेम्पलेट्स को इसमें से सेलेक्ट करना है, और उसमें अपनी फ़ोटोज़ को और टेक्स्ट को
एडिट कर देना है। आप चाहें तो हमेशा ब्लैंक से भी शुरुआत कर सकते हैं और अपने हिसाब से डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वही मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।